आप बखूबी जानते हैं कि जब से 2019 से बाइफर्केशन हुआ, यूटी बन गया, लद्दाख को यूटी दिया गया, तब से आज तक स्टूडेंट्स या अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो बड़े फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2019 के बाद हमसे हमारे सब कुछ छीना गया। हमारे पास रिक्वायरमेंट बोर्ड ना रहा, हमारे पास JKPSC नहीं रहा, हमारे पास अपना जो स्टेट पोस्ट की रिक्वायरमेंट करते थे JKPSC के थ्रू वो नहीं रहा, और बच्चे पूरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अनएम्प्लॉयड यूथ से वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। आपको पता है कि अभी तक सिंगल एक स्टेट पोस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। जब लास्ट मीटिंग हुई थी KDA होम मिनिस्ट्री के साथ, एपेक्स और KDA का, तब ये बात की गई थी कि हमारे जो गेस्टेड पोस्ट के लिए लद्दाख रिक्वायरमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, जो इन लोगों ने क्या किया था, ABC ग्रेड के हिसाब से पोस्ट डिवाइड किए गए थे, और B और C ग्रेड के पोस्ट उन लोगों ने कहा था कि हम लद्दाख रिक्वायरमेंट बोर्ड बनाएंगे और इसी बोर्ड के तहत हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, और जो हाई लेवल के जो पोस्ट है वो हम JKPSC के थ्रू कंडक्ट कराएंगे, और कहा था कि हमारे लिए लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएंगे। ये सारे मसले हमसे वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई टॉक नहीं हुआ MHA के साथ। तो आज हम इस पथ यात्रा के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि आप अपने होश में आइए और यूथ की आवाज़ सुनिए, कर लद्दाख की यूथ किस हाल में गुजर रहे हैं। एक्चुअली मेरा नाम है निलजांगमो, मैं जांस्कर से हूँ। तो यूथ का ये डिमांड है कि बहुत सारे यूथ जो ग्रेजुएट है या मास्टर करे हुए हैं, तो इतने सारे बच्चे विदाउट जॉब कब से इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं कि कुछ पोस्ट निकलेगा, और कुछ भी गेजेटेड पोस्ट कुछ नहीं निकल रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल भी निकल रहा है बट इतना कम निकल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस यात्रा पे अभी 30 दिन हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि पोस्ट निकले। अस्सलाम, आज 30वां दिन है पद यात्रा, दिल्ली चलो यात्रा का। तो वैसे आप सबको पता होगा कि ये चार मंगे को लेके चल रहा है, लेकिन मैं एक यूथ होते हुए मैं जो यूथ के रिलेटेड के कुछ चंद बातें आप लोगों के सामने रखना एक बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो आप सबको पता है कि लद्दाख के यूथ बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। क्यों बोले तो लद्दाख में ऑल इंडिया लेवल में देखा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के तौर पर है। तो आप सबको पता होगा कि लद्दाख के यूथ कितना फ्रस्ट्रेशन में है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए सबसे पहले हमें गुजारिश करना चाहूँगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और केंद्र शासन से भी कि जितना हो सके रिक्रूटमेंट बोर्ड को करने में तेज़ किया जाए, और साथ साथ में जो आपने कमेटी बनाया कि PSA के लिए उसको जितना भी हो सके उसको स्पीड अप करके उस ड्राफ्टिंग को कमेटी को जल्द से जल्द करके ये रिक्रूटमेंट बोर्ड किया जाए, और साथ साथ में जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक सब ऑर्डिनेट बोर्ड है उस दोनों को इन्हेंस करके जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्ट फिलअप कर सकता है उस सबको जितना भी हो सके जल्दी फिलअप करें, ताकि इस बच्चों जो जितने भी बच्चे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इम्प्लॉयड हो जाए, ताकि उनके फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म किया जाए। और साथ साथ में जो एक बात ये भी है कि MP साहब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि MP साहब ने 2-3 बार जो जितना भी मौका मिला पार्लियामेंट में जो यूथ के जो जेन्युइन एक रिक्वेस्ट था, जेन्युइन एक प्रॉब्लम था, इसको हमेशा उठाया, उसको बहुत बहुत गहरे दिल से शुक्रिया। और इसको जब तक मसला हल ना होता तब तक इस बात को हमेशा पार्लियामेंट ने उठाया, ये हमारा एक मांग है, एक गुजारिश है कि जब तक यूथ के जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता तब तक आप हमेशा हमारे साथ दीजिए। और साथ साथ में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि और साथ साथ में XMP ने भी कहा कि 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकल के आएगा बोल के, लेकिन आज तक रफली 800 तक निकल के आया, तो उसको शुक्र है। लेकिन जो अभी रह चुका है 9,300 के समथिंग के पोस्ट रह चुका है, उसको भी जल्द से जल्द फिलअप किया जाए, ताकि ये यूथ बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है, और